मकसद नहीं है। हम भराड़ीसैंण में इसलिए आए हैं कि एक साल के कार्यकाल में सरकार ने उत्तराखंड को इतने घाव दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल है। और आज 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जो रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से परीक्षाओं में नकल हो रही है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से CBI जांच बंद करे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देख में ये जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों सरकार कदम पीछे खींच रही है, किसको सरकार बचाना चाहती है? क्योंकि पेपर लीक मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लगातार उजागर हो रहा है, इसीलिए सरकार घबराई हुई है कि अगर CBI जांच होगी तो वो लोग जिनके संरक्षण में नकल हो रही है, वे भ्रष्टाचार हो रहा है, चेहरे से नकाब हट जाएगा। हम समझ नहीं पा रहे कि सरकार CBI जांच से कदम पीछे क्यों की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड के लोग इस बात को कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी के माता पिता हाईकोर्ट भी गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रही। और आज उत्तराखंड जानना चाहता है कि भाई वो BBIP कौन है जिसका नाम जो है सरकार उजागर नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से सरकार जो है CBI जांच रिकमेंड नहीं कर रही है, ये उत्तराखंड जानना चाहता है। नहीं, देखिए कांग्रेस आज 310 के जो है कार्य स्थगन के माध्यम से इस विषय को सदन के अंदर उठाना चाहती है। आज प्रदेश के युवा सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं सरकार हमको रोजगार दे, लेकिन सरकार रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन तमाम परीक्षाओं के जो है प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए नौजवान उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसकी CBI जांच रिकमेंड करे ताकि उत्तराखंड के नौजवान साथियों को जो है न्याय मिल सके। और ये जो CBI जांच है इसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। सही बात है, ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड, अंकिता भंडारी के माता पिता इस बात को कह रहे हैं इसकी CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसकी भी CBI जांच रिकमेंड नहीं कर रही। और जो बात सुनने में आई है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी कार्य करती थी उस पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि कोई BBIP का मूवमेंट वहां पर होने वाला था और उसको वो सेवा देने का काम करे। मैं अंकिता भंडारी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उनकी हत्या हो गई। अब सरकार CBI जांच क्यों नहीं करा रही है, अब कौन BBIP है जिसको सरकार बचाना चाहती है, ये बताए सरकार।